दोस्तों यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं, भगवान जी की ड्रेस लेके जा रहे हैं। मम्मी अभी रेडी कर रही है और वो आज इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सारे जो कार्य सफल हो गए हैं। पापा का रिटायरमेंट अच्छे से हो गया, भजन हो गए और जो भी कार्यक्रम था वो अच्छे से हो गए हैं। और मम्मी ने प्रे करी थी कि भगवान जी के ड्रेस जरूर चढ़ाएंगी सारा काम होने के बाद में। तो आज जो है यही कार्यक्रम आज है हमारा, और बस भगवान जी की ड्रेस चढ़ा के और मम्मी पापा निकलेंगे दादी को लेके कहाँ पे? रामदेवरा है या रामदेवरा है? हाँ, रुणीजा। तो यहाँ से भी पूजा उजा मतलब पूजा करके, पूरी पूजा करके फिनिश होके फिर मम्मी पापा निकल जाएंगे अभी सुबह सुबह। दोस्तों यहाँ पर जो है मम्मी अभी तैयारी कर रही है पूरी पूजा की। खाना अच्छे से ले लिया है, आज बनाया था घर में पूड़ी सब्जी खीर और पकौड़ी। पकौड़ी है ना मम्मी? हाँ। और थाली अभी मम्मी रेडी कर रही। हो गई थाली रेडी? हाँ हो गई। तो चलें फिर? हाँ चलें। चलो तो अभी जा रहे हैं हम मंदिर। और वो ड्रेस, क्यों वो ड्रेस ले ली ना? हाँ ड्रेस भी लो। पेशा ऐशा कौन देता है आप? तो हाँ ये ड्रेस लो। और भगवान जी की ड्रेस कहाँ है? हाँ और सुनो, भगवान जी की ड्रेस का गंगाजल का छींटा, भगवान की ड्रेस का सुनो गंगाजल को छींटो भी लगा लीजिए ना। हाँ तो पार्लर दे दे हम नहीं ले ला, थाली लो थाली मेरे को ड्रेस यानी तो क्या लगा। चलो भाई आ जाओ, पास में ही है हमारा मंदिर, घर के जस्ट पास में ही। तो दोस्तों यहाँ पर हम मंदिर आ चुके हैं और भैया और मम्मी मिलकर जो है भगवान जी को स्नान करा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये जो भगवान जी की ड्रेस है वो मम्मी ने अपने हाथों से ही सिली है। और अभी जो है मम्मी और भैया मिलकर ही भगवान जी को ड्रेस पहना रहे हैं। और अब जो है मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही है। तो दोस्तों ये हमारे ताई जी हैं और ताई जी के घर में ही मंदिर है। और मम्मी ने आज जो है प्रसाद में, आपको पता है, खीर पूरी सब्जी ये सब बनाया है। तो ताई जी को अच्छे से प्रसाद भी दे रहे हैं, साथ में जो ताई जी को नेक भी दे रही है यहाँ पे मम्मी, आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारी माता राम जा रही है आज। कहाँ जा रहे हो? रोने जी जा रही है दादी माँ हमारी, बाबा रामदेव के दर्शन करने। बहुत टाइम से इच्छा थी दादी की कि वो रुणीजे जाए और बाबा रामदेव के दर्शन करें। यहाँ पे दादी रेडी है, मम्मी रेडी है और साथ ही साथ में गहलोत साहब, पापा और टोनू रेडी है। और मैं यहाँ पे घर पर ही हूँ अभी क्योंकि गाड़ी में 5 जने ही आ सकते हैं, तो अभी फुल सीट हो गई है। तो अभी जो है दादी पापा और सब जने जा रहे हैं, हम कभी नेक्स्ट टाइम चलेंगे। यहाँ पे टोनू भी रेडी है अपना भाई, और यहाँ पे ये सब रेडी हो गए। पापा कहाँ हैं? है पापा वो रहे, पापा भी रेडी है। और बारिश आ रही है हल्की हल्की, तो वो स्टार्ट हो गई है आप देख सकते हो। चलो भाई मंगलमय हो यात्रा इनकी। चलो ठीक है आराम से जा जाना, ठीक आराम से माना माना बैठा है टोनू कट गया। हाँ आपको शॉल, ठीक है आराम से जा जाना, ध्यान रख जो। तो दोस्तों आपको पता है कि जैसे मैं नहीं गई हूँ तो इस वीडियो में सिर्फ मैं अपना वॉइस ओवर दे रही हूँ ऊपर से। यहाँ पे मम्मी वगैरह सब पहुँच चुके हैं ओम बना के, अब ओम बना के अच्छे से यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। और मैंने भी फर्स्ट टाइम दर्शन किए हैं इसी तरह वीडियो में ही, अगर आपने नहीं किए तो आप भी कर लीजिएगा। और दादी ने भी, दादी ने तो क्या मतलब, इनफैक्ट हम हमारे परिवार के सभी सदस्य ने जो है ओम बना के पहली बार ही दर्शन कर रहे हैं।
गाइस मैं फाइनली आ चुके हैं हम लोग कहाँ पर, कामदेव जैसलमेर। सो अभी जस्ट मतलब हमने होटल के अंदर एंट्री ली थी और आके हम बैठ गए हैं मस्त एकदम सोच चुके हैं। और चाय आ चुकी है, वैसे तो चाय आ चुकी है, मैं चाय पीता नहीं हूँ और पापा मम्मी दादी इस कमरे में चाय पी रहे हैं। ज्योति नहीं है, बस ब्लॉग बना रहे हैं ज्योति मैडम के लिए, ज्योति मैडम की हो मैंने ब्लॉग बना दीजिए। चाय बढ़िया बनी, बहुत अच्छी बनी, चाय अच्छी बनी, बढ़िया। ठीक है, मंदिर जस्ट यहाँ से पास में ही है, कर्टन लगे हैं जिसको इस तरफ मंदिर है। फाइनली सब लोग आ गए रूम में, मतलब दो रूम है, एक पीछे वाला ये वाला, इसमें दो बेड है मतलब और उसमें तीन बेड है। तो अभी सब लोग एक जगह आके इकट्ठे हो गए हैं, अभी सब लोग हम बैठे हैं बढ़िया। तो दोस्तों फाइनली मेरी दादी जी जो है रामदेव बाबा के दर्शन करने जा रही हैं। विंडो में से ही आप यहां से दर्शन कर सकते हैं बाबा रामदेव के। और दादी पापा मम्मी गहलोत साहब टोनू सब लाइन में लगे हैं, धीरे धीरे दर्शन करते जा रहे हैं। और पापा जो है दादी की हेल्प कर रहे हैं पूरा। यहां पे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा मंदिर है दोस्तों ये। और यहाँ पे दिन रात भजन होते रहते हैं बाबा रामदेव के। बढ़िया दर्शन कर लिया, बढ़िया अच्छा हो गया ना, फिर ठीक है। आ जाओ मम्मी, आ जाओ आ जाओ। ये कुछ इस तरह का मंदिर है, यहाँ से प्रवेश द्वार है, यहाँ से प्रवेश द्वार है और ये पूरा हॉल है बहुत बड़ा, यहाँ पे लोग ठहरते हैं और ये ऊपर स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पर। और अंदर की तरफ यहाँ से रास्ता जाता है, फिर वहाँ पे अंदर गर्भगृह है, वहाँ पर ये बाबा की समाधि बनी हुई है। पर लोग गीत वगैरह भी गाते हैं, मतलब जैसे कि वो क्या बोलते हैं उसको, रावण हत्ता वगैरह लेके गीत वगैरह गाते हैं। तो अपन वो देखते हैं, सुनाओ कहीं मरकन, बस 10 रुपये ही है, लो पहली चढ़ो बाबा का, लो चढ़ो सुनाओ। तो दोस्तों मंदिर के जस्ट पीछे की साइड में ये राम सरोवर झील है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है यहाँ पे यार, बहुत बढ़िया आनंद आ गया है। ये मौसम देखो कुछ आया है शानदार। गाइस ये रहा सामने बाबा का मंदिर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा। और ये सब कुछ यहाँ पे पूरी दुकान है इस तरह की लगी हुई है दूर दूर तक, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। तो बाबा रामदेव की यात्रा मंगल में रही दोस्तों, और अब जा रहे हैं हम घर की तरफ। गाइस अभी जैसे हम आ चुके हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए इस होटल पे, दादी ये रही पीछे मेरी आवाज ये सही है। और सबसे इस होटल की खास बात पता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस होटल की सबसे खास बात यह है कि जब रेस 3 की शूटिंग हुई थी ना सलमान खान की, तब सलमान खान वो भी यहीं रुके थे मतलब। तो ये मतलब वो एक दीवार बाती चैनल अगर आपने देखा हो स्टार प्लस पे आता, तो वहाँ पे वो सूरज नाम का जो किरदार निभाया ना उन्होंने, वो भी यहीं रुके हुए। सो आप वीडियो एक बार पॉज करके एक बार इसको पढ़ सकते हो, ये सलमान भाई ये देखा कि पहली फोटो। और ये देखो ये वो शेरा, ये इनका बॉडी गार्ड है, ये रहो तेरा वो शेरा। और ये रहे वो सूरज भाई जो मैंने बता रहा था ना आपको, इधर ये चश्मे वाले आदमी, यहाँ पे खैर हिरण नहीं है नहीं तो मार देता भाई उसको भी। गाइस एक बार मैं यहाँ पे बाबू जी है उनसे पूछ लेता हूँ कि उन्होंने सलमान खान को देखा था क्या। बाबू जी आपने सलमान खान को देखा है क्या, मतलब आपने भी देखा? देखा, आपने क्या बात करी सलमान खान से? खाना खड़ा या, शाही भाई है, खाना खड़ा या है और बस
और आपसे कुछ बोले वाले नहीं क्या बात पर कुछ नहीं करी कम बोला आप पढ़े जी बस अंदर हो गया आप लगे वो फोटो। अच्छा अच्छा हाँ वो तो देख ली मैंने वाली फोटो तो ठीक ठीक अरे बढ़िया फिर तो बढ़िया। अच्छा आदमी है कैसा बुरा आदमी है अच्छा आदमी है बढ़िया आदमी है फिर ठीक है बढ़िया नहीं हाँ फिर भी यार भैया भरोसा नहीं है यार आजकल किसी भी हीरो का नशा पड़ता करता आदमी। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे आ गई है दादी माँ। यार टोनू कितना नाटक कर रहे हो यार। तो यहाँ पे भी सब आ गए हैं, मम्मी भी इधर आ गई है बैठी है, पापा जो है बाहर हैं, और यहाँ पे दादी से पूछा जा रहा है सवाल। नमस्कार नमस्कार। ओ पागल हो गए माँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है इस टीवी शो में। आप ये बताएं आप रामदेव ने जाके आए दर्शन करे आपने कैसा लगा? अच्छा माँ तेज बोल आवाज ही नहीं आ रही। मतलब कैसा लगा आपको? अच्छा लग गया। अच्छा लग गया। अरे यार माँ को बहुत अच्छा लगा। आखिरी इच्छा थी ये जाने की? आखिरी इच्छा क्या वो कहे इंटरव्यू तो ले नहीं रहे सैटेलाइट से कनेक्ट है। आपकी आवाज जन जन तक पहुंचाई जाएगी। मम्मी का हाल बहुत बुरा है हंस हंस के। यार माँ अब आ बताओ आज रामदेव राजा का आया आप क्या को लागो आपने? अच्छा लागो। अच्छा और कीजे के जा रहा है ओम बना के भी जाकर आ गया। अरे वाह कितरो अच्छो जोतर। हाँ बट अभी ओ रामदेव बाबा को मंदिर कितना अच्छा हो गया मैं तो खुद ही फोटो में देखियो। और आप कितना साल बाद में गया? 50 साल बाद ना बताओ। दोस्तों फाइनली हमारी दादी जी जो हैं रामदेव बाबा के दर्शन करके आ गई हैं और दादी जी को अब काफी अच्छा लग रहा है। अब करेंगी दादी रेस्ट। ज्योति ने मनचाया काम कर दो मगर वो जवाई दे जवाई गयो जी ने यानी कि सौरभ जी के लिए कह रही हैं यहाँ पे जी गया जन। हाँ धन्यवाद। अरे तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आज आप दादी से भी बात कर चुके हैं, बात तो क्या दादी से मिल चुके हैं। चलिए बोलो आप बोलो। ये बोल दीजिए कि वीडियो को लाइक करें। बोलो वीडियो को लाइक करें। हाँ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को चंदन को नहीं चैनल चैनल को चैनल बोलो चैनल। हाँ वो सब्सक्राइब करें। हाँ सरप्राइज करें। सब्सक्राइब करें यही।